आज हम बनाने जा रहे हैं छठ स्पेशल प्रसाद ठेकुआ। तो चलिए इसकी शुरुआत। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूँ स्वाति। स्वाति सोनी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज छठ पूजा है और छठ पूजा की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। छठ में मैं घर नहीं जा सकी हूँ, ऑफिस स्कूल की वजह से, कॉलेज की वजह से मैं घर नहीं जा सकी हूँ। तो चलिए मैं यहीं पे छठ का प्रसाद बनाऊंगी, जिसे ठेकुआ कहते हैं, जिसका फेमस प्रसाद ठेकुआ है। तो चलिए फिर इसे हम बनाते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए ये मैंने 1 किलो आटा लिया है। ठेकुआ आटा से ही बनाएंगे हम। तो ये मैंने 1 किलो आटा लिया है, तो इसको अब हम छान ले रहे हैं। ये आटा को हमने चाल लिया है और ये घी है। घी हम इसमें घी को पहले हम गरम कर लेंगे और गरम करके इसमें हम म्योन डालेंगे और फिर देखते हैं कितना घी इसमें लगता है, वो हम अंदाज से डालेंगे। ये देखिए कढ़ाई हमने ले लिया है और इसमें हम घी गरम करके डालेंगे म्योन। तो घी गरम कर ले रहे हैं हम इसमें। 4 चम्मच हम घी गरम कर रहे हैं और इसमें म्योन डालेंगे हम। जब तक घी गरम हो रहा है तब तक देखिए, ये मैंने 1 से 1.5 चम्मच सौंफ ले लिया है। सौंफ इसमें जरूर पड़ता है। और ये 6-7 इलायची है, इसको हम खोल के इसे हम पाउडर बना लेंगे, दरदरा पीस लेंगे। और ये 150 ग्राम के लगभग गुड़ है, तो इस गुड़ को हम भिंगो दे रहे हैं। ये देखिए इस गुड़ में हम पानी डाल दे रहे हैं थोड़ा, जिससे क्या है गुड़ अच्छे से इसमें मिल जाए। हम इसी गुड़ के पानी से हम ठेकुआ का आटा जो है वो हम माड़ेंगे। ये देखिए थोड़ा सा और डाल दे रहा है बस। अब इसमें हम अच्छे से गुड़ को मिला लेंगे। ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको फूलने में, तो आधा घंटा इसे हम छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए हम मोयन डालने से पहले हम इसमें ये सौंफ है, ये सौंफ डाल देंगे। 1 चम्मच भर के सौंफ डाल दीजिए। सौंफ का टेस्ट ठेकुआ में बहुत अच्छा आता है। और हम इसमें इलायची कूट के डालेंगे। ये देखिए उस इलायची को हमने कूट लिया, वो हम इसमें डाल देंगे और फिर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे, जब ये मिल जाएगा फिर हम इसमें म्योन डालेंगे। ये देखिए अच्छे से हमने मिला लिया है इसको। अब हम इसमें म्योन डालेंगे। तो इसमें हम ये देखिए ऐसे बीच में हम गड्ढा कर देंगे और ये घी गर्म हो चुका है, तो इस कढ़ाही का घी हम अंदाज से ही डालेंगे। पहले हम थोड़ा डाल के देख ले रहे हैं, ज्यादा म्योन हमें नहीं डालना है। और इसे गरम है तो धीरे धीरे इसे हम अपने दोनों हाथ की तलहत्थी से इसे रगड़ के मिलाएंगे। ये देखिए गरम है, ये हाथ से ही मिलाएंगे, ऐसे ऐसे मल के मिलाएंगे, जिससे कि पूरे आटे में ये म्योन चला जाए। आप चाहे तो मैदा से भी बना सकते हैं, लेकिन हम आटा से बनाते हैं। जनरली क्या होता है छठ पूजा में जो है आटा से ही बनाया जाता है ठेकुआ, तो हम आटा से ही बना रहे हैं। थोड़ा सा हम और म्योन डालेंगे अभी इसमें, थोड़ा सा ही डालेंगे, ज्यादा नहीं। तो लगभग हमको इसमें 1 किलो आटा में लगभग 3 चम्मच हमने घी डाला है, देसी घी, म्योन डाला है हमने, इसको गरम कर लिया है और हम इसको डाले हैं। इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से म्योन को मिला दिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और ये जो गुड़ हमने पानी में भिंगोया है उसे हम देख ले रहे हैं हाथ से, ऐसे तोड़ तोड़ के इसे हम हाथ से या किसी चीज से, या थोड़ी देर छोड़ दीजिए तो गुड़ फूल जाएगा। इसे हम मिला लेंगे, गुड़ का घोल बना लेंगे। ये देखिए गुड़ को आप अपने हाथ से ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे तोड़ लीजिए, ऐसे मिला लीजिए। या तो आप चाहे तो हल्का गर्म भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है गर्म करने पे गुड़ चाशनी वो बनने लगता है, पाक जैसा बनने लगता है। तो हम ऐसे इसको
तोड़ ले रहे हैं अच्छे से, और फिर इसको छान लेंगे हम। ये देखिए गुड़ को हमने अच्छे से मिला लिया है इसमें, इसमें कुछ भी नहीं है, बस सारे गुड़ इसमें मिल चुके हैं। अब हम इसे छान लेंगे। ये देखिए गुड़ को अब हम छान ले रहे हैं इसमें, क्योंकि गुड़ में गंदगी होती है तो नहीं छानेंगे तो वो थोड़ा किसकिसा टाइप लगता है। तो देखिए हमने सब छान लिया है। ये देखिए गुड़ को हमने अच्छे से छान लिया है। 1 किलो में लगभग 150 से 200 ग्राम गुड़ हमने थोड़े पानी में इसे अच्छे से मिला लिया है और फिर इसे छान लिया है। ये आपके ऊपर है आप कितना मीठा पसंद करते हैं खाना, तो अगर 200 ग्राम गुड़ या 250 ग्राम भी डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मत डालिएगा। 150 से 200 ग्राम ही गुड़ 1 किलो में लगभग अच्छे से हो जाएगा। अब हम इस पानी से जो है हम इस आटे को, ठेकुआ वाला आटा को हम मार ले रहे हैं, इसी पानी से हमें मारना है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करेंगे, अगर कम पड़ जाए तो थोड़ा पानी आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमको अच्छे से इसे टाइट आटा लगाना है इसका। डेढ़ 200 ग्राम गुड़ में लगभग हम छोटे कप से 2 कप पानी डाले थे, तो उसमें ये गुड़ हमने घोल लिया है, और 1 किलो आटे में 200 ग्राम गुड़ और 2 कप पानी, 2 कप पानी में आप इसे घोल के फिर से आटा को मारिए। ये देखिए ये सारा पानी जो हमने घोल तैयार किया था गुड़ का, वो सारा पानी लग चुका है। ये देखिए हमको उतने पानी से नहीं हुआ तो हम ये प्लेन पानी भी थोड़ा ऐड कर देंगे इसमें। आप लोग को भी अगर उस पानी से नहीं हो या तो गुड़ ही थोड़ा ज़्यादा पानी में मिला लीजिएगा, नहीं तो आप प्लेन पानी भी ऊपर से ऐड कर सकते हैं, और सबको अच्छे से आप मिला लीजिए। ये ध्यान रखिए ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज, नॉर्मल इसका आटा जो है हमें लगाना है। ये देखिए आटा हमने लगा लिया है, अब इसे हम मिलाएंगे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से। हमको इसमें 2 से 2.25 कप पानी, मतलब 2 कप गुड़ का पानी और ऊपर से 4 से 5 चम्मच हमको ऐसे लगा है, तो आप भी अपने अंदाज से कर लिएगा। अब हमें इसे अच्छे से 5 मिनट मिला ले रहे हैं। ये देखिए अभी हो चुका है, अब हम इसकी गोलियां बना लेंगे। बराबर साइज की गोलियां बना लेंगे। ये देखिए एक रोटी के गोली के बराबर हमने बनाया है। इसी तरह हम सारी गोलियां बना लेंगे। ठेकुआ में आटा और गुड़ का ही कॉम्बिनेशन होता है, इसमें गुड़ ही बनता है ठेकुआ में, चीनी नहीं पड़ता है। तो हो सके तो आप लोग को गुड़ मिल जाए तो गुड़ से ही बनाइएगा ठेकुआ। ये देखिए इसी तरह हम सारा गोली हम बना लेंगे। ये देखिए सारी गोलियां हमने बना ली है, अब हम इसे पेड़े साइज का हम बना ले रहे हैं ऐसे। ये देखिए सारी गोलियां का हमने पेड़ा बना लिया है, अब चलिए इसे हम सांचे पे बनाएंगे। ये देखिए ये हमने सांचा ले लिया है, और इसमें हम घी या रिफाइंड कुछ भी लगा लीजिएगा, सरसों तेल का यूज मत कीजिएगा, डालडा हो घी या रिफाइंड जो भी हो। तो ये देखिए, और इस पे जो ये है ये पेड़ा जो हमने बनाया वो यहाँ पे डाल देंगे, और ऐसे दबा के हम इसका हाथ से ही हम दबा के बनाएंगे। थोड़ा ऐसे नोकीला शेप में होता है ठेकुआ, तो हाथ से आप इसे नुकीला शेप दे सकते हैं। ये देखिए इस शेप में हम बना ले रहे हैं, ज़्यादा पतला नहीं करना है ना ज़्यादा मोटा रखना है। ये देखिए ऐसे ही साइज में हम बना लेंगे, और ये जो पेड़ा है इसे हम थोड़ा सा लंबा कर दे रहे हैं क्योंकि हमें नुकीला शेप देना है, तो ऐसे कर दीजिए इसे इस तरह कोनी, और ऐसे बीच में दबा के फिर इसे हम ऐसे करके बना लेंगे।
तब इसका जो शेप है वो बहुत अच्छा आएगा। ऐसे देखिए, इसे हाथ से ऐसे दबा के आगे तरफ हमें नुकीला शेप रखना है। ये देखिए, इसी तरह हम सारा बना लेंगे। बस इसको ध्यान रखिएगा, इसे लंबा शेप दे दीजिएगा। बस ऐसे करके लंबा, आगे से नुकीला और थोड़ा सा लंबा पीछे से, और फिर इसे बीच में ऐसे दबा के आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए, परफेक्ट शेप आ गया है। इसी तरह आप इसे बना लीजिए सारा। आप सांचे में बीच बीच में घी लगा लीजिए। या तो जोर से हथेली से 4 से 5 बार जोर जोर से इसे दबा दीजिए। ये देखिए, एक बार में ये 5 बनाए हैं। जितनी मेरी कढ़ाई में आएगी उतने हमने बना लिया है। तो अब इसको पहले हम तल ले रहे हैं। देखिए, कढ़ाई हमने चढ़ा लिया है, इसी में हमने घी गरम किया था। ये वही वाली कढ़ाई है और इसमें हम रिफाइंड डाल दे रहे हैं। घी में हम नहीं तलेंगे। आप लोग को अगर हो तो आप घी में भी तल सकते हैं। हम रिफाइंड में इसे फ्राई कर रहे हैं। इसे हमें डीप फ्राई करना है, तो रिफाइंड आप इतना डालिए जिसमें वो अच्छे से डूब जाए। फिर बाद में ये रिफाइंड बच जाएगा, आप इसे यूज कर सकते हैं खाने में। और इसे अब हम गर्म होने दे रहे हैं। ये देखिए, ये पूरी तरह से रिफाइंड गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा गोली डाल के देख ले रहे हैं ये हुआ कि नहीं है। तो ये देखिए, ये ऊपर आ गया है तैर के, अभी हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम जो है मीडियम कर देंगे, तभी ये अंदर तक धीमे धीमे आंच पे ये सिकेगा। तो फ्लेम को हम मीडियम करते हैं, मीडियम से भी थोड़ा कम करेंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे, बहुत धीरे डालना है, ज्यादा ऊपर से नहीं, एकदम नीचे से आराम से इसे डालना है। एक बार में जितनी आ जाए, 3-4 जितनी आ जाए, क्योंकि कढ़ाई छोटी है तो उतना डालेंगे। 3 आया है एक बार में, तो हम इसे डाल दे रहे हैं। और फ्लेम जो है वो मीडियम है। अब हम इसे पलट ले रहे हैं, बहुत धीमे से पलटेंगे। देख ले रहे हैं हुआ कि नहीं है एक साइड। ये देखिए, थोड़ा हो चुका है। अब हम इसे पलट ले रहे हैं और फ्लेम बस मीडियम ही रखिएगा। और इसे धीमे आंच पे हम सेकेंगे, मीडियम से भी कम फ्लेम रखिएगा, जिससे ये सेक जाए अंदर तक। इसे हम दोनों तरफ सेक लेंगे, अच्छे से पलट लेंगे। देखिए, अब इधर भी हम सेक लेंगे, बहुत धीमे से करना है, नहीं तो तेल जो है ये उड़ता है, छिटक के पकने का डर रहता है। अब ये हो चुका है, इसे हम निकाल ले रहे हैं। इसे हमें ब्राउन सेकना है। ये देखिए, इसे निकाल ले रहे हैं, बहुत आराम से निकालिएगा। ये देखिए, इसी तरह हम ये सारे हम बना लिए हैं। हम ये देखिए, सारे बना लिए हैं। हम इसमें डाल देंगे, फ्लेम जो है मीडियम ही रखिएगा, मीडियम से भी कम। और ये देखिए, हमने ये डाल दिया है। इस बार मैं 4 डाल दे रही हूँ। अब इसे धीमी आंच पे हम सिकने देंगे। अब हम इसे पलट लेंगे, अंदाज से ही हम पलट रहे हैं, जो ये हुआ कि नहीं हम चेक कर रहे हैं। तो बड़े आराम से इसे पलटिएगा, इसे चम्मच से देख लीजिए हुआ कि नहीं। ये हल्का हो चुका है, अब इसे हम पलट लेंगे और दोनों तरफ हम अलट पलट करके हम सेक लेंगे, जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। और फ्लेम धीमा रखिएगा, धीमा मीडियम अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, हाई मत रखिएगा। ये देखिए, ये हम सब पलट लिए हैं और धीमी आंच पे इसे सेकने दीजिए, जो अंदर तक ये पूरा सेक जाए।
तेज पे सेकिएगा तो क्या होगा, ऊपर से ब्राउन हो जाएगा लेकिन वो अंदर तक नहीं सिकता है, इसीलिए फ्लेम मीडियम और स्लो के बीच में रखिएगा। ये देखिए सारे हमने बना लिए हैं, तो चलिए इसे धीरे धीरे सेकते हैं। ये देखिए इसे अब हम पलट ले रहे हैं, इसे अलट पलट करके इसे ब्राउन होने तक सेक लीजिए, फ्लेम धीमा रखिएगा। बड़े आराम से हल्के हाथों से इसे उठाइएगा, क्योंकि इसमें मेयोन पड़ा है तो टूट ना जाए। ये देखिए इसी तरह हम सारा ठेकुआ जो है वो हम इसी तरह तल लेंगे। ये देखिए अब ये हो चुका है, अब हम इसे निकाल ले रहे हैं। और इसी तरह हम सारा ठेकुआ बना लेंगे। ये देखिए ये लास्ट बार हम तल रहे हैं, ये भी हो चुका है अब लगभग, तो इसे भी हम निकाल ले रहे हैं। और सारा ठेकुआ हमने तल लिया है, ये देखिए ये हो चुका है। आपको ऐसे ही तलना है। अब हम गैस बंद कर दे रहे हैं। ये देखिए ठेकुआ बन चुका है और ये बहुत सॉफ्ट बना है। ये देखिए तोड़ के भी हम दिखा दिए हैं, ये अंदर तक पूरा सेक चुका है ठेकुआ, बहुत सॉफ्ट बना है। और इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें ज्यादा मेयोन नहीं पड़ता है। 1 किलो जैसे आपने आटा लिया उसमें 3 बड़े चम्मच से घी डालिएगा मेयोन में। ज्यादा हमको मेयोन का गोली जैसा वैसा आटा को नहीं बनाना है, तो बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। और गुड़ के पानी से ही इसे मारिएगा, थोड़ा ऊपर से जरूरत पड़े तो डालिएगा। और 1 किलो में लगभग 150 से 200 ग्राम गुड़ डालिएगा। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो देखिएगा पूरी। प्लीज़ वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।